हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको ये ओप्पो F1 का मॉडल है, ठीक है, इसको डिसेंबलिंग कंप्लीट डिसेंबलिंग करना बताऊंगा। तो इसकी कस्टमर टच को उपाड़ दिया है ज़बरदस्ती, आप देख सकते हो ये पत्ता है इसका यहाँ पर। तो चलो इसको हम कंप्लीट डिसेंबलिंग करते हैं। ये फोल्डर लगने के लिए केस आया है मेरे पास। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना होता है। हम इस सिम ट्रे को निकालते हैं, जितने भी आजकल के लेटेस्ट मोबाइल होते हैं उनको सबसे पहले हम इसी तरीके से सिम कार्ड ट्रे होता है वो निकालना होता है। कुछ सैमसंग के सेटों में मेमोरी कार्ड की ट्रे अलग होती है, तो उसमें दो स्लॉट्स होते हैं इस प्रकार से ट्रे के, वो हमें निकालनी होती है, ठीक है। इसके बाद में किसी भी मोबाइल को, ये तो F1 है ओप्पो का, तो आप देखिए नीचे के साइड कुछ मोबाइल्स में नट होते हैं, तो उनका भी से ध्यान दें, वो भी आपको खोलने होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई नट कहीं पर भी नहीं है, तो हमें सिंपली इसके लॉक्स को ओपन करना होता है और इसको ओपन करना होता है। तो हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे, तो इसके सभी ये जो लॉक्स हैं ये हाउसिंग से अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए आप हो रहे हैं ना, इस प्रकार से हम इनको, आवाज भी सुन रहे होंगे आप, इस तरीके से लॉक्स को अलग करना है, सारे लॉक्स को जितने भी हैं। तो इस स्लाइड लॉक्स को सबको ओपन करते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान दें, आजकल फिंगरप्रिंट आ रहे हैं इस तरीके से बैक साइड में। वैसे तो मोस्टली आजकल के लेटेस्ट मोबाइल में डिस्प्ले में भी आते हैं, कुछ में बैक में भी आने लगे हैं, तो उनको स्पेशली जब हम आप उसके ढक्कन को खोलो ना, तो उसको क्या है, हमें जब ऊपर की तरह हम प्रेस करते हैं तो उसको बिल्कुल हमें ऐसे सिंपल तरीके से प्रेस करके और इस तरीके से देख लेना होता है कि उसका कोई उसका कनेक्टर तो पत्ता तो नहीं लग रहा है। हालांकि इसमें तो नहीं है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सेफ्टी बता रहा हूँ जिससे आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको इस तरीके से अलग हटा देना है। ये इसका पैनल अलग हट गया है, हटा देना है। इसमें बहुत काफ़ी डस्ट भी है जिस कस्टमर का सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कंप्लीट डिसेंबलिंग करते हैं। तो बैक पैनल को किस प्रकार से खोलते हैं वो आप देख सकते हो, और भी वीडियो आपको डिस्प्ले से संबंधित, रिपेयरिंग से संबंधित, किस प्रकार से टच को अलग करते हैं वो सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हो। मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा। तो ये नट्स भी हमें खोलने होंगे, इन नट्स को हम खोल लेते हैं, जो भी नट्स इसमें अपने को दे रखे हैं। और वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखा करो जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिले, क्योंकि मैं कभी भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देता हूँ, जो किसी के काम आए उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देता हूँ। कंप्लीट वीडियो देखा करो, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हो, आपको लेटेस्ट सभी वीडियो के नॉलेज मिल जाएगी। तो ये इसका मेन मदरबोर्ड होता है, ये इसका सब पीसीबी होता है। तो हमें इसको कंप्लीट डिसेंबलिंग करना आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारे नट्स को खोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ओनली इस मदरबोर्ड पे काम है तो इस मदरबोर्ड को आप ओपन कर सकते हो, बाकी इसके डिस्प्ले को निकालने के लिए आपको इसकी बैटरी भी रिमूव करनी होती है। सब पीसीबी को खोलने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने इसमें सारे ये जितने भी नट्स थे ये सारे हमने हटा लिए हैं। अब ये जो है ये डिस्प्ले का अपना है, ये शायद ये अपना बैटरी का है, ये डिस्प्ले का पत्ता है, ये ऑन ऑफ स्विच का है, वॉल्यूम ऑन ऑफ स्विच का, और प्लस ये अपना सब पीसीबी का है, ठीक है। तो इन सभी बेल्ट्स को हमें इस प्रकार से मदरबोर्ड से रिमूव कर देना है, ठीक है। और इसकी ये बैटरी है जो ये इस प्रकार से, ये तो पहले से अलग है। जब आप नया फोन खोलोगे तो इसमें नीचे गम भी होती है और टेपिंग भी होती है, उस टाइप से उनको इस प्रकार से यहाँ साइड से खींच सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से इसको हटा सकते हो। अब हमने इसकी बैटरी को भी रिमूव कर लिया है, बैटरी को हम एक साइड कर देते हैं। अब ये सब पीसीबी का पत्ता है, ये आप देख रहे हो, ठीक है, और ये है इसमें डिस्प्ले का पत्ता, और ये है इसमें ऑन ऑफ स्विच का पत्ता, ठीक है, बेल्ट ऑन ऑफ स्विच का, इसको देसी भाषा में पत्ता बोल सकते हैं। इस प्रकार से इस बेल्ट को भी हमें हटा देना है। ये इसका कैमरा है, ये इसके कैमरे पे एक स्ट्रिप लग रही है,
ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये नेटवर्क एंटीना है, ठीक है। तो इसकी बेल्ट को हम निकाल लेते, इसकी इसको नेटवर्क केबल को हम इसमें से निकाल लेते हैं, मदरबोर्ड से अलग कर लेते हैं, और फिर सिंपली इसके मदरबोर्ड को हमें उठा देना है इस टाइप से। और कुछ चीज़ देख लेना है, कुछ चीज़ अटैच हो तो हमें उसे भी सिंपली इजीली हटाना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। बाकी इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं, इसमें थोड़ा गम लग रहा था नीचे, तो इसके मदरबोर्ड देखो हमने F1 का मदरबोर्ड बिल्कुल सिंपली अलग हटा लिया है, ठीक है। इस टाइप से आप हटा सकते हो। इसके बाद में ये देखिए, ये आपका ईयर स्पीकर है, ये ऑन ऑफ स्विच का और वॉल्यूम ऑफ का बेल्ट दे रखी है अपने को, ठीक है। ये सब पीसीबी, अब ये सब पीसीबी है जो इस सब पीसीबी के इसको ये जो कवर दे रखा है ऊपर, इसको भी हमें रिमूव करना होगा। तो सिंपली इसको इस प्रकार से हम रिमूव कर लेते हैं। ये से स्पीकर दे रखा है अपने को ओप्पो F1 का, ये इसका वाइब्रेटर है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये इसका ब्लूटूथ के लिए है, ठीक है, नेटवर्क एंटीना के लिए, और नेटवर्क के लिए भी है इसमें, ये वाला नेटवर्क के लिए है, ये बाकी ब्लूटूथ एंटीना ऐसे कुछ समथिंग है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए आप, इस बेल्ट के पत्ते को हम बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद में आप सब पीसीबी को अगर निकालना चाहते हो तो इसको हम इस बेल्ट को यहाँ तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से हटा दीजिए। चलो इस बेल्ट को हम हटा देते हैं, इस बेल्ट को भी हमने इधर से निकाल दिया है इस टाइप से। और ये सब पीसीबी अपनी इजीली यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको आराम से निकालें, ये सब पीसीबी अपनी इसकी बिल्कुल निकल गई है। अब ये डिस्प्ले थी जो ये जो कस्टमर ने डिस्प्ले उपाड़ रखी है, इस डिस्प्ले को हम निकाल लेते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो ये डिस्प्ले ख़राब है इसलिए इसको हम ज़बरदस्ती भी निकाल सकते हैं, टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिस्प्ले को किस प्रकार से फ्रेम से बाहर निकालते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैंने अपनी वीडियोस पे बता रखा है, मैं आपको लिख दूंगा, आप उन लिंक्स पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसको तो हमें बस ऐसे ही ज़बरदस्ती निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं, ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं इसको। कुल मिला के ये तो टूट जाए तो भी गम नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये डिस्प्ले निकाल लिए, ये कोई काम की तो है नहीं, इसको एक साइड कर देते हैं। ये इसकी हाउसिंग है, आप देख सकते हो, इसको हमने कंप्लीट डिसेंबलिंग कर लिया है, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है, सारे पार्ट्स। तो मेरी वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।